अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बस मैं सुबह उठी, वॉक के लिए निकली और फिर काफ़ी वॉक हुई और आज योगा भी हम लोगों ने किया। और जी बस फिर एक्सरसाइज की, रनिंग की और फिर बस हम निकले यहाँ से घर के लिए। ओके जी व्यूअर्स, अब मैं घर जा रही हूँ और आज की भी जो मेरी एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि आज जो है एक योगा जो थी कोच वो भी आई हुई थी, उन्होंने प्रॉपर जो है ना सब फीमेल्स को योगा करवाया और उसके बाद तो मैं काफ़ी फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं आपको ना आज अपनी एक जो है ना जो फ्रेशनेस ड्रिंक है जो मैं आफ्टर एक्सरसाइज पीती हूँ, आज मैं उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं घर, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आफ्टर वर्कआउट और एक्सरसाइज कौन सी ड्रिंक जो है ना यूज़ कर रही हूँ फॉर फ्रेशनेस और एंड वेट लॉस। ओके जी व्यूअर्स, मैंने आपको कहा था मैं आपको अपनी जो है ना आफ्टर एक्सरसाइज जो मैं ड्रिंक पीती हूँ उसकी रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए जी, मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें जो मैं यूज़ करती हूँ वो है लेमन, फ्रेश मिंट, जिंजर एंड ब्लैक सॉल्ट। और ये जो ब्लैक सॉल्ट है, क्योंकि आप सिर्फ थोड़ा सा आपने ऐड करना है कि थोड़ा सा जो टेस्ट है ना, क्योंकि हम शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि हमने वेट लॉस करने के लिए पीना है तो इसलिए हमें टेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि हम ऐसी ड्रिंक पी रहे हैं जिससे जो है ना आपकी क्लिनजिंग हो, डिटॉक्स हो बॉडी आपकी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम चलें जी, सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये जो रूम टेम्परेचर वाटर है, ठंडा पानी हमने नहीं लेना। देन हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून लेमन की, वैसे हम 3 भी कर सकते हैं क्योंकि इसी ने असल काम करना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिंट, और ये फ्रेश मिंट ही डालना है क्योंकि फ़ायदा इसका है। इसके साथ हम थोड़ा सा जिंजर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा। एंड देन हम बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट हमने ऐड किया, इसको मिक्स करेंगे। 2000 years later. चलें जी, ये जो है ना मेरी अब ड्रिंक रेडी हो गई है। और वैसे तो मैंने अभी एक ग्लास बनाया, लेकिन मैं ये फुल जग बना लेती हूँ ये वाला। और ये है कि मैं अभी भी एक ग्लास पी लूँगी ये, और आफ्टर मतलब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी आपने पानी पीना है तो मैं यही जग अपना जो है फिनिश करती हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ यही पीना है, आपने दूसरा पानी भी पीना है, कि इस एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये नहीं कि बस आप इसी पानी को पीते रहेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो सिर्फ अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के बाद एक ग्लास ये पी लो वो भी इनफ है। तो चलें जी, फिर मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो चलें फिर आगे की रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, और मैंने आपसे यही कहना था कि आप भी ये ड्रिंक ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरी अगर कोई एक्टिविटी से, मॉर्निंग फिटनेस एक्टिविटी से अगर कोई मोटिवेट हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, अब मैं फिर इसको पीती हूँ और ये है कि अब मैंने रेस्ट करना थोड़ा सा। ओके जी व्यूअर्स, मैं अभी मार्केट आई हूँ, बल्कि अभी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना रनिंग के लिए शूज़ चाहिए थे प्रॉपर, वो मैंने लेने हैं, बल्कि भी देखूंगी वहाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं भी कि नहीं, वो चेक करूंगी। और कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी क्योंकि कल एक इवेंट है, बट वो क्या इवेंट है और मैंने कहाँ जाना है कल, वो चीज़ें जो है ना एक सरप्राइज़ है और मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और पर मैं उस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जो कल इवेंट है, एंड प्रे फॉर मी कि वो बहुत अच्छा रहे इवेंट। तो चलिए चलते हैं पहले मार्केट। और जी बस यहाँ पे जब हम आए हैं मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा ना बादल आए हुए थे और बारिश भी लग रहा था कि बस अभी हो ही जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम पहुँचे ही हैं तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन शुक्र है कि थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया है,
क्योंकि सुबह भी मैंने ऐसे आपको बताया था कि काफ़ी सफोकेशन हुई हुई है आजकल वेदर में भी, तो शुक्र है थोड़ी अब वेदर चेंज हुआ है। बट ये क्या मार्केट तो हम आगे हैं, तो अब यहाँ से देखते हैं। और मुझे याद आया मुझे तो अभी TCS ऑफिस भी जाना है, तो अभी वैसे टाइम हो गया है काफ़ी, तो देखते हैं अगर ओपन है तो वो भी काम करते हुए जाते हैं। देखिए अभी स्टार्ट ही हुई है बारिश, तो चलिए हम पहले जल्दी से अपने काम कर लेते हैं। बस यहाँ पहुँचे तो यहाँ लाइट ऑफ हुई हुई थी और फिर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा। फिर ये पार्सल था मुझे करवाना था, वो करवाया। उसके बाद फिर हम निकले शूज़ के लिए, स्नीकर्स जो लेने थे मैंने, तो काफ़ी शॉप्स पे देख रही थी मैं, लेकिन ना कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। फिर क्योंकि यहाँ पे उनके पास पास ही शॉप्स थी दूसरी भी स्नीकर्स और उसके लिए रनिंग शूज़ के लिए, तो फिर मैंने एक दो और आउटलेट चेक की। तो फिर जो फाइनली है ना मुझे मिली गई थी शॉप, तो फिर मैंने वहाँ से जो है ना ये वाले शूज़ जो हैं परचेज़ किए रनिंग के लिए, और ये काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मतलब सॉफ्ट थे। और एक अपने लिए जो है ना ये मैंने सैंडल भी थी चप्पल घर के लिए, तो बस ये चीज़ें हमने दी। और फिर बस खाना तो क्योंकि अभी बाहर से तो बिल्कुल, एक तो वेदर भी ऐसा है कि आप खाते हो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो खाना वगैरह तो हमने कुछ खाना नहीं था। तो बस फिर थोड़ा सा प्लान ये किया था कि चलो आइसक्रीम ना ट्राई कर लेते हैं, हम आइसक्रीम खा लेंगे। तो बस फिर अब यहाँ से फ्री हुए और फिर घर के लिए निकले। ओके जी, ये मेरी आइसक्रीम आ गई है नटी स्पेशल। बस अब मैं इसको इन्जॉय करूँगी और अब मैं घर जाऊँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।